वेल गाइस, तो फाइनली WWE का बैड ब्लड पे पर व्यू शुरू हो चुका है और पे पर व्यू के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहां पर WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव द टीम ट्रिपल एच देखने को मिले। और गाइस, WWE कंपनी ने यह कंफर्म किया है कि ट्रिपल एच आज यहां पर शो के ऊपर कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले गए। और देखना दिलचस्प होगा कि AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान के काफी सारे अनाउंसमेंट करने के बाद आज ट्रिपल एच शो के ऊपर क्या कुछ अनाउंसमेंट करते गए। और गाइस, शो के ओपनिंग के ऊपर ही हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग के WWE पर रिटर्न होने के बाद WWE के और कौन कौन से लेजेंडरी सुपरस्टार आज यहां पर बैड ब्लड पे पर व्यू पर अपीयर होते गए। गाइस, यहां पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि आज यहां पर बैड ब्लड पे पर व्यू के ऊपर हमें यहां पर काफी सारे बड़े लेजेंड दिखाई देने वाले गए। और आज यहां पर बैड ब्लड के ऊपर हमें यहां पर DDP आर्न एंडरसन सहित स्टैंडर्ड ब्रदर्स शो के ऊपर देखने को मिल सकते गए। और शो के मेन इवेंट के ऊपर देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोडी को सपोर्ट करने के लिए आर्न एंडरसन रिंग साइड एरिया पर मौजूद होते हैं या नहीं। और गाइस, शो के ऊपर WWE के अंदर आज कौन कौन से लेजेंड की अपीयरेंस होती गए। वेल गाइस, आप यहां पर बैड ब्लड पे पर व्यू को देख रहे हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और गाइस, यहां पर WWE के बैड ब्लड के ऊपर ट्रिपल एच आज यहां पर क्या अनाउंसमेंट करने वाले गए, आपको क्या लगता है, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे। बाकी गाइस, यहां पर पे पर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर शो के ऊपर WWE के अंदर ब्लड लाइन का सिविल वॉर होने वाला है, जिसके अंदर रॉक के रिटर्न होने के काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं।